आप आइए एयरटेल से, उनको बदलिए, बहुत पुराना है, कोई कैमरा वैमरा भी रहता है गाड़ी में आपका। बच्चे बड़े अवेयर हो गए, पहली बार से इंस्पेक्शन करो, बच्चों को सारे रूल्स पता है पहले से। ओके ओके, तो स्कूल बस है सिंथिया की। कितने बच्चे हैं? अब बच्चे जाने वाले हैं अपने अपने घर, ठीक है। तो इसमें एक कंडक्टर रखना बहुत ज़रूरी होता है ना? तो कौन है वो कंडक्टर? बस तो बिना कंडक्टर के चल नहीं सकती। बच्चा उतरेगा, गेट कौन खोलेगा, बंद करेगा? कितने बच्चे हैं, किस क्लास के बच्चे हैं? और आप किस क्लास में? थोड़े बड़े हैं। आप किस क्लास में? छोटे बच्चे हैं। आप किस क्लास में? आप किस क्लास? छोटे बच्चे, ये छोटा। आप किस क्लास में? फर्स्ट ऑफ सबसे छोटे बच्चे। आप किस क्लास में? अभी छोटे बच्चे हैं। तो ये इतने सारे छोटे बच्चे हैं, इनका कौन है कंडक्टर वंडक्टर? अच्छा, आपका क्या, आप कौन है मैम? अच्छा, बस में ही है ना, तो आपका ड्यूटी है मतलब ना, कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है। इसको जरा फर्स्ट एड बॉक्स को दिखाइए, क्या क्या दवाई है इसमें, आप दिखाइए मैडम जरा मुझे। जी आप लोग रखते हैं दवाई, बच्चे को कुछ हो जाए तो, चोट वोट लग जाए तो। डिटॉल है आपके पास, ठीक है। ये भी आपके पास है, ये भी आपके पास है। चाकू, ओहो मैडम ये कब का है, उपचार की आवश्यकता लगती है ऐसी दवाई से? छपे पट्टी वट्टी की लग जाए तो, उनको बदलिए, बहुत पुराना है, ठीक है। बाकी गाड़ी की फिटनेस वगैरह ये बताएंगे, ड्राइवर साहब बताएंगे, कागज दिखा दो गाड़ी का, कब फिटनेस है, क्या है, किसके नाम पे गाड़ी है, कितने बच्चे हैं, कहाँ से कहाँ को चलती है। मधुरीपुरा होते हुए सीधा पंचक्की, छुट्टी हो गई ना, सिंथिया से आते हैं, ठीक है। देखो मेरे तो सुन, क्या है फिटनेस, फिटनेस गाड़ी फिट है नहीं है, देखा स्कूल की बसों के बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं, एक बस में तो आग भी लगी है। कोई कैमरा वैमरा भी रहता है गाड़ी में आपका? कैमरा कहाँ पे दिखाइए, कर रहे हैं रिकॉर्डिंग? हाँ जी, वॉइस कैमरा है, वीडियो भी बनाता होगा? यस सर, जरूर बनाता है, ठीक है। मुझे खाली देखना है गाड़ी फिट है कि नहीं है, आपका लाइसेंस है या नहीं, स्टेशन वैलिडिटी इसके बाद बढ़ाई है, सही है, तेज में खत्म हो गई तो है फिटनेस। ड्राइवर साहब का लाइसेंस भी देख लीजिए, है ठीक है, दिक्कत नहीं है, वही व्यक्ति हैं जो चला रहे हैं लाइसेंस? कब से चला रहे हैं? 3 साल से। कितनी तनख्वाह मिलती है? 9,500, ठीक है। आप आइए खाली बताइए, हम स्कूल बस की सेफ्टी देखते हैं, स्कूल बस में क्या क्या एस्पेक्ट्स हम देखते हैं सेफ्टी में? एक तो जाली देखते हैं, इसका पर्पस क्या है? कि बच्चे हाथ बाहर धोने का, हाथ ना कटे, नंबर वन है जाली, जाली मौजूद है, गुड। और क्या देखते हैं सर? फायर फाइटिंग होना चाहिए उनके पास, कहाँ है? अच्छा ठीक है, तो ड्राइवर साहब को बुलाइए इधर, और एक सब इनका मेडिकल बॉक्स होना चाहिए, मेडिकल बॉक्स मिला तो बहुत बुरी है। एक मिनट मैडम, आपको बहुत धूल लगी है, ये है खराब नहीं, ये आपका सही है, खाली धूल मिट्टी लगी पर अच्छा है, आपने तैयारी कर रखी है, वेरी नाइस। एक आया होनी चाहिए गाड़ी में, ये मैडम है, आया भी है नहीं। अब मुझे वो ड्राइवर साहब का, अब मान लीजिए गाड़ी में आग लग जाएगी, अभी बीच में एक गाड़ी में आग लगी थी, ड्राइवर साहब ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बच्चों को बचाया, उनको सम्मान भी मिला है। ऐसी आग लग जाएगी तो आप कैसे उसको जलाएंगे, तो दिखाइए उसको, जगह कोई आग बुझानी पड़ती है तत्काल गाड़ी में, ये वाला आग जलाने का, ये सब ये है, ठीक है। चलाना पड़े तो क्या करना होता है? बस फोन करना है। हाँ जी, बस पुश करना है इसको,
पुश करना है, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, हल्का सही करो, हल्के में भी हो जाता है ना, इसका मतलब ऑपरेट करना भी जानते हैं। अच्छी अच्छी चीज लगी हमें ये भी, वेरी गुड। अब बताइए और क्या देखते हैं हम लोग, फिटनेस गाड़ी की। हाँ, गाड़ी की फिटनेस कब चेक हुई थी, क्या है गाड़ी, गाड़ी का मॉडल कब का है, गाड़ी का मॉडल कब का है, ड्राइवर साहब कितनी पुरानी गाड़ी है, 14 की, 9 साल पुरानी है, तो सड़क में तो अभी चल ही सकती है ना। राजीव बाटला, राजीव कुमार लिखा हुआ है। हाँ, राजीव कुमार बाटला, वो कास्ट नहीं, कास्ट होता है। नाम क्या है, केवल कृष्ण, ठीक है, इन्हीं का है ना। जी सर, फिटनेस हम ऑनलाइन देखते होंगे ना। जी सर, फिटनेस जो होती है कितने कितने टाइम पे परीक्षण करना होता है, तो 8 साल तक सर, 2-2 साल में होती है फिटनेस, और उसके बाद सर हर साल होती है। 8 साल कब कराई ड्राइवर साहब फिटनेस आपने? जी ये इसी साल में कराई, ये होती है फिटनेस। जी सर, ओके। 28 अक्टूबर 2014 तक बने राइट। ये है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, आवेदन नंबर, इंस्पेक्शन की फीस, रसीद 21 सितंबर को जमा की, चैसिस नंबर, इंजन नंबर, सीटिंग कैपेसिटी 33 ही बच्चे इसमें बैठ सकते हैं, अभी तो खैर कम होंगे। नहीं सर, 33 नहीं, इसमें 12 साल से कम बच्चों के लिए सर ये सुविधा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस के अनुसार एक ज़्यादा बैठा सकते हैं। हाँ, 1.5 बैठ सकते हैं 1 जी में। 12 साल से कम, 12 साल से मैन्युफैक्चरिंग ईयर, एमपीवी आपका कैटेगरी, इंस्पेक्टेड ऑन 9 अक्टूबर 23 को इसका निरीक्षण हुआ, और नेक्स्ट इंस्पेक्शन 30 अगस्त, 28 अक्टूबर तक इसकी फिटनेस भी वैलिड है। हाँ जी, ठीक है, इसका मतलब अच्छी है गाड़ी में, अच्छी व्यवस्थाएं मिली इसमें, सभी चीज़ अच्छी मिली। अब फायर वाला भी ऑपरेट कर पाते थे। हाँ जी, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। कौन बच्चा जो पीछे पढ़ाई कर रहा था गाड़ी में, फिर नोट सुना था, कौन सा बच्चा, आप क्या लोग क्या लिख रहे थे आजकल बच्चे, मतलब बस में भी पढ़ाई कर लगातार आ रहे हैं अभी, इतनी खतरनाक चीज कॉस साइंस स्क्वायर ये सब तो परितोष के पास मैथ्स में पता लगेगा, इतना मुश्किल हो गया। कौन सी क्लास में आप पढ़ाई इतनी कठिन होती जा रही है क्या? आपका इमरजेंसी गेट काम करता है? हाँ, ये अच्छा, आपने अच्छा सवाल पूछा, ये तो मैंने भी मुझे नहीं पता था, अब दिखाओ इमरजेंसी गेट। अच्छा, वो भी है, मान लो गाड़ी फंस गई, अब गाड़ी बंद हो गई, अब शीशे तोड़ने पड़े तो जाली में भी बंद हो जाएंगे बच्चे, तो उल्टा। हाँ, जाली बंद हो जाएगा, ये तो इमरजेंसी गेट की व्यवस्था करते हैं। इमरजेंसी गेट, और अगर पीछे वाला शीशा तोड़ना, उसको तोड़ने के लिए क्या है गाड़ी में? आगे रॉड है, रॉड है, रॉड दिखाना भी तोड़ने वाली। बच्चे बड़े अवेयर हो गए, पहली बार से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बच्चों को सारे रूल्स पता है पहले से, एवरी टाइम दे आर अवेयर ऑफ, आई एम वेरी हैप्पी सर। आप लोगों को पता है कि नाबालिग की गाड़ी चलाने पर या बाइक चलाने पर क्या सजा का है? हाँ, अगर सपोज कोई ऐसे व्यक्ति चला रहे हैं गाड़ी जिनका लाइसेंस नहीं है, वो मेजर नहीं माइनर है, तो 18 साल से जो कम का बच्चा गाड़ी चलाता हुआ पाया जाएगा, जो आप चलाते भी होंगे मुझे लगता है, तो कितनी सजा है? सर फाइन है और जेल है माँ बापू। अच्छा, जेल पेरेंट्स को होती है? जी सर, नहीं, 3 साल की जेल पेरेंट्स को, जेल 3 साल की, बाइक सीज कर दी जाती है, 3 साल की जेल, 25,000 रुपए जुर्माना। अच्छा, तो आप बाइक चलाते हैं कि कार? आपको ये बात कैसे पता चली? वेरी नाइस, बच्चे कितने अवेयर हैं। फादर को होगी कितने साल की जेल? 3 साल की जेल। फादर 3 साल की जेल होगी? 3 साल की स्ट्रेट फादर, पिता ही दोषी होते हैं। तो फादर को जेल भी कंपाउंडेबल होगा ना, जरूर नहीं करेगी, कंपाउंडेबल नहीं है, कंपाउंडेबल नहीं है, जेल ही होनी है सर। 30 जेल हो या 25,000 जुर्माना मिनिमम है सर, सजा और है सर, 4 सजा है इसमें। एक सर इसमें यह है कि 3 साल की सजा फादर को, दूसरा इसमें 25,000 जुर्माना, तीसरा इसमें है जो बच्चा है उसका 25 साल तक कहीं भी इंडिया में लाइसेंस नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, और चौथा है सर कि जो गाड़ी से वो चला रहा हो उसका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताइए आप लोग, मतलब काफी स्ट्रिक्ट है, मतलब माइनर्स को गाड़ी नहीं चलानी है। लेकिन एक बात बताओ, नैनीताल में तो हर तो हजारों गाड़ियां लग रही हैं, आप लोगों ने ना, ये है अगर इनकेस गाड़ी फंस जाती है, टूट जाती है, तो शीशा इससे तोड़ना है। जी सर, ये रॉड वाली बात किसने बताई?
काफी बच्चे अवेयर हैं आज तो। जीपीएस कैमरा, एसओएस, फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने का सामान, और अब हम आ रहे हैं सर एसओएस। एसओएस मतलब व्हाट इज एसओएस? कौन बोल रहा था एसओएस? उसमें क्या होता है एसओएस मेटा सर? सर कॉल जाती है सर चौकी पे। तो उसमें क्या होता है कॉल चौकी पे जाती है? नहीं तो कैसे होता है एसओएस काम? कैसे सर बटन दबाना पड़ता है? बटन पैनिक बटन दिखाओ सर। वो पैनिक बटन ये है सर, पैनिक बटन है। अगर तो कोई प्रॉब्लम होगी बच्चे को तो सर ये बटन दबाना भी दबा सकते हैं। पैनिक बटन दबाने से सर ये कॉल जाएगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है अवेयरनेस में चिल्ड्रन, बच्चों को सब पता है पहले से। अब आखिरी चीज बची इमरजेंसी गेट, यानी कि बंद ही हो गए अंदर तो कैसे निकलना है सर? इमरजेंसी गेट से निकलना है। चलिए पहले खोलते हैं। तो ये खुल गया ठीक है, क्या नहीं है? अच्छा नहीं यूज कर सकते तो एक खामी मतलब बस में मिल गई है, तो इमरजेंसी गेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइए आरटीओ, एआरटीओ सबको आगे ना दीजिए। तो यार ये इमरजेंसी गेट इसमें जैसे बंद हो गया ना, हाँ, इनको क्या करना चाहिए था? इनको ये खोलेंगे पूरा जोर से धक्का लगा के इसको। अच्छा खुल जाएगा जी सर, बाहर किसी को लगे ना भाई? नहीं खुलेगा सर। तो फिर ये नहीं, ये तो सील हो रखा है। हाँ अभी तो बंद है, बाहर से तोड़ के खोलना पड़ता है ना। यार मेरे बहुत इमरजेंसी तो अंदर से आएगी। जाली इसलिए अलग लगा दी है ना, खोलने का है ना उसे। हाँ ये सर लॉक है बाहर से, तो गलत है ना। इमरजेंसी का क्या मतलब है? गाड़ी में बंद हो गए, सारे गेट बंद हो गए, जाम हो गए, आग लग गई और निकलना है, यही पर्पस है ना? मानना है कि गाड़ी चलते चलते बच्चे बैठ के खोल लगे उसको। अच्छा जब ये इमरजेंसी गेट से निकालना हो तो ड्राइवर इधर से आए उसको खोल के बच्चों को निकाल लेना। चलो तो ड्राइवर से डेमो ले लेते हैं। चलिए बाहर आइए। हाँ तो अब ड्राइवर साहब बताएंगे कि कैसे खुलेगा इमरजेंसी गेट। ये तोड़ना पड़ता है तो डेमो के लिए तोड़ भी है तो क्या बुराई है? तोड़िए, डेमो तो डेमो है ना, कभी तो अस्थि भी हो सकता है। डेमो से तो कभी और किसमें इतने सारे नंबर लगे? पुलिस हेल्पलाइन, आपदा प्रबंधन, फायर ब्रिगेड, अग्निशमन, परिवहन विभाग। आप लोग का मोबाइल नंबर है यार? भैया हमें ये कांच में वैसा वाला तो नहीं, जख्मी करने वाला है सर? पहले तो उसको तोड़ा, यहाँ से आ जाएंगे ना? आप कोई बाहर आके बताए यहाँ से? ओ ग्रेट, गुड गुड, बाहर निकले। अच्छा डेमो हो गया है।